आप सभी को नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार यादव, शिक्षक शासकीय नवीनपुरा माध्यमिक शाला गोथेड़ी से। प्यारे बच्चों एवं सम्मान्य शिक्षक साथियों, आज जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं वह पाठ हमारे समाज में प्रचलित जो चीज़ है, जो हम धर्म के नाम पर आपस में लड़ते हैं, इसके साथ ही साथ हमारे अंदर की जो मानवता है, इंसानियत है, उसको प्रदर्शित करने वाला यह पाठ है। कैसे हम धर्म के नाम पर आपस में जो बैर भाव है उसको दूर कर सके, कैसे हम सभी धर्मों का आदर कर सके, कैसे हमारे अंदर की इंसानियत एक दूसरे के सहयोग के लिए, एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहे, इन्हीं भावनाओं को लेकर यह पाठ डॉक्टर कृष्ण गोपाल रस्तोगी जी द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में हमको दो छोटे छोटे कहानियाँ यहाँ पर बताया गया है और ये दोनों कहानियाँ हमारे अंदर की धार्मिक सहिष्णुता को, हमारे अंदर की इंसानियत को, हमारे अंदर की मानवता को जगाने का प्रयास करेगा। तो आइए हम अपने इस पाठ की शुरुआत करें। पाठ का जो नाम है, पहले इस पर थोड़ा सा चर्चा कर ले, थोड़ा सा जिक्र कर ले। पाठ का नाम है सर्व धर्म संभव। नाम से ही स्पष्ट है कि इस संसार में जितने भी धर्म हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो फारसी हो, चाहे वो यहूदी हो, सारे जो धर्म हैं वो एक समान है और सारे धर्मों का मूल एक ही चीज़ है, वो है इंसानियत, वो है मानवता। सारे धर्मों का सार हमें यही सिखाता है कि हम जो है सभी धर्मों का आदर करें, सभी धर्मों का सम्मान करें, और इन्हीं भावना को लेकर यह जो पाठ है हमारी पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। चलिए पाठ की शुरुआत करने से पहले आपके मोबाइल के स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये कुछ लाइन है, इसमें लिखा है, न तेरा धर्म बड़ा है ना मेरा धर्म छोटा है, ना तेरा धर्म बड़ा है ना मेरा धर्म छोटा है, ना तुम राजा हो ना मैं गुलाम, तुम भी इंसान हो मैं भी इंसान। तो ये हम सबका मूल भाव होना चाहिए। हमारे अंदर का जो बैर भाव है, हमारे अंदर की जो नफरत है, ये सारी चीज़ों को मिटाकर हमको एक ही चीज़ को प्रदर्शित करना है, एक ही चीज़ को बाहर दिखाना है, वह है हमारे अंदर की इंसानियत। चलिए तो कहानी की शुरुआत करते हैं। ये पार्ट जो है इसमें दो कहानियां हैं, इसमें से पहला कहानी महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच जो युद्ध हुआ है उसको लेकर है। महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच युद्ध चल रहा था। कुंवर अमर सिंह के नेतृत्व में राणा का जो पड़ला था वो भारी रहा, अर्थात मुगल जो है और महाराणा प्रताप की जो सेना है, उन दोनों के बीच युद्ध चल रहा था। युद्ध का मुद्दा था साम्राज्य विस्तार करना, साम्राज्य विस्तार को लेकर मुगलों की सेना और राणा प्रताप की सेना आमने सामने भिड़ गई। लेकिन इस युद्ध में महाराणा प्रताप की जो सेना है उसका जो दबाव ज़्यादा रहा और खाना और उसकी सेना को मैदान छोड़ना पड़ा, अर्थात अकबर की जो सेना थी, मुगलों की जो सेना थी, उसको मैदान छोड़ना पड़ा, उसको मैदान छोड़कर भागना पड़ा। आगे जो है अब यहाँ पर ही जब राणा प्रताप की सेना जीत गई और अमर सिंह उसका नेतृत्व कर रहे थे, उसकी अगुवाई कर रहे थे, तो अमर सिंह ने क्या किया, उसने मुगलों की जो स्त्रियाँ थी, बच्चे थे और परिवार वाले और सैनिकों को बंदी बना लिया। अब यहाँ पर आप समझिए, युद्ध हुआ, युद्ध में जो राणा की सेना जीत गई और अमर सिंह ने क्या किया, मुगलों के परिवार वालों को, बच्चों को और सैनिकों को बंदी बना लिया। और वो बड़े खुश हो रहे थे कि हम युद्ध में जीत गए हैं, हमने उसके सारे सैनिकों को, उसके सैनिकों के साथ साथ परिवार वालों को, है ना, उसके बच्चों को हमने बंदी बना लिया। देखिए अब आगे क्या हो रहा है कि अमर सिंह के इस काम को लेकर अब जब ये पता चला महाराणा प्रताप को कि उसकी सेना जीत गई है,
तो ये समाचार सुनने के बाद वो सबसे पहले खुश हुए और उसने सोचा क्यों ना मैं अपने सैनिकों को इस जीत के लिए बधाई दूँ और स्वयं मैं जो हूँ अमर सिंह के पास पहुँचूँ बधाई देने के लिए। लेकिन जैसे ही अब महाराणा प्रताप को पता चला कि कुंवर ने, कुंवर मतलब अमर सिंह जो महाराणा प्रताप की सेना की अगुवाई कर रहा था, तो जैसे ही महाराणा प्रताप को पता चला कि कुंवर ने मुगलों की स्त्रियों और परिवार वालों को बंदी बना लिया है, तो वे अत्यंत क्रुद्ध होकर बोले, देखिए जो महाराणा प्रताप की जो खुशी थी अब वो खुशी जो है गुस्सा में बदल गया है। अब गुस्सा का कारण आपको पता चल रहा होगा कि क्यों महाराणा प्रताप जो है क्रोधित हुए। तो उसने कुंवर को बोला कि लड़ाई जीतकर तुमने जो स्थान मेरे हृदय में प्राप्त किया था वह समाप्त हो गया है। क्यों? तुम नहीं जानते तुमने मुगलों की स्त्रियों और परिवार वालों को बंदी बनाकर कितना बड़ा अपराध किया है। यहां पर महाराणा प्रताप की जो सोच है, यहां पर महाराणा प्रताप की जो मानवता है, जो इंसानियत है, उसको आप समझिए। महाराणा प्रताप का यहां पर कहना था कि हमारी जो शत्रुता है वो मुगलों से है, हमारी जो शत्रुता है वो अकबर से है, अकबर के सैनिकों से है। यहां पर हमारी जो शत्रुता उसके परिवार वालों से, उसके बच्चों से कतई नहीं है। तो यही चीज जो है इसी को लेकर महाराणा प्रताप ने कुंवर अमर सिंह को, उस पर जो है गुस्सा हुए, उसको डांटे और उसको समझाए। अब उसने वही चीज कहा कि हमारी शत्रुता मुगल साम्राज्य से है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं। उनकी जो स्त्रियां, उनकी जो माँ है, उनकी जो बहन है, वो हमारी माँ बहनों के समान है। अब राणा प्रताप ने स्वयं जाकर, अब चूंकि अमर सिंह तो अपराध कर चुका था, अमर सिंह तो गलती कर चुका था, राणा प्रताप जानते थे, राणा प्रताप इस चीज को समझते थे, है ना। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं खुद जाऊं मुगलों की जो है बच्चों से, मुगलों की जो है स्त्रियों से, परिवार वालों से मिलने। तो राणा प्रताप ने स्वयं जाकर खान खाना की बेगम से भेंट की। यहाँ जो खान खाना जो शब्द आ रहा है वो अकबर के लिए, उसकी बेगम से भेंट की और कुंवर के अपराध के लिए क्षमा मांगी कि मेरा जो सैनिक है, मेरा जो सेनापति है, उसने अपराध किया है। उन्होंने आदेश दिया कि मुगलों की स्त्रियों और बच्चे जो है सम्मानपूर्वक मुगलों के पास पहुंचा दिए जाए। युद्ध अलग चीज है, युद्ध में जीतना, युद्ध में हारना एक जो है युद्ध की रणनीति हो सकती है, लेकिन युद्ध में, युद्ध के मैदान में हमारी जो शत्रुता जो है सैनिकों के अलावा किसी व्यक्ति विशेष से, किसी के परिवार वालों से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो महाराणा प्रताप ने अपने जो सैनिकों की जो गलती थी उस गलती को स्वीकार की और खाना खाना की जो बेगम है उसके पास जाकर उसके लिए क्षमा मांगी। अब अकबर को ये पता चला और अकबर कुछ पल के लिए इस चीज को सुनकर चौंक गए। अब उसको ये लग रहा था कि हमारे सैनिक बंदी बना लिए गए हैं, हमारे परिवार वालों को बंदी बना लिया गया है, तो उनके साथ जुल्म होगा, उसके साथ अत्याचार होगा क्योंकि हम हारे हुए हैं। तो लेकिन जैसे ही अकबर को पता चला कि मुगलों की स्त्रियां और बच्चे राजपूतों के संरक्षण में सकुशल लौट रहे हैं, तो उनका सिर भी महाराणा प्रताप की धार्मिक सहिष्णुता के सामने आदर से झुक गया। देखिए यही वो बात है, यही वो चीज है जिसको इस पार्ट में समझाने की कोशिश किया गया है, धार्मिक सहिष्णुता। हम सभी धर्मों का आदर करें, हम सभी धर्मों का सम्मान करें। दुनिया की हर धर्म में हमें एक ही चीज सिखाती है, वो है हमारे अंदर की इंसानियत, वो है हमारे अंदर की मानवता। और संसार का सबसे बड़ा जो धर्म है वो एक ही चीज है, वो है मानव धर्म। मानव को मानव से प्रेम करना, इंसान को इंसान की मदद करना, यही जो है धर्मों का मेन जो सार है। तो अब अकबर को पता चला कि उसके परिवार वालों को, उसके रिश्तेदारों को, उसके बच्चों को, उसकी पत्नियों को वापस सम्मानपूर्वक जब भेजा जा रहा है, तो महाराणा प्रताप के सामने नतमस्तक हो गए अकबर।
देखिए मुगल सम्राट अकबर जो है महाराणा प्रताप की इस धार्मिक सहिष्णुता के सामने झुक गए, आदर से उसका शीश झुक गया। संसार में अनेक धर्म हैं और सभी धर्म हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। ये धर्म का मेन काम है, धर्म का काम आपस में लड़ाना नहीं है। और हम जो धर्म के नाम पर तमाशा करते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, आपस में बैर भाव करते हैं, ये हमारी जो है निजी स्वार्थता है, ये बहुत ही बोलना चाहिए विकट है हमारे इस भारत के लिए। वे सभी संसार के जितना भी धर्म है, वे सभी हमें असत्य से सत्य की ओर क्या सिखाते हैं? देखिए यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। अच्छा यहाँ पर आप समझना कि संसार की जितने भी धर्म हैं वो हमें सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं? असत्य से सत्य की ओर जाना, बुराई से अच्छाई की ओर जाना, पाप से पुण्य की ओर जाना, ये धर्म का सार है, ये धर्म की विशेषता है जो हमें ले जाते हैं। जब भी हम दुविधाओं में घिरे, जब भी हमें आगे बढ़ने का रास्ता ना मिले, उस समय हमको ठंडे मन से अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए। और जब हम ऐसा करने लगते हैं तो हमें कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिल जाता है। तब हमको पता चलता है कि यार हम जिस राह पर चले थे, हम जो काम कर रहे थे वो काम तो गलत था। इसमें न जाने कितने लोगों का नुकसान हुआ होगा, कितने लोगों का अहित हुआ होगा। तो वहाँ पर ये चीज़ हमको पता चलता है कि असत्य से सत्य की ओर जाना है, बुराई से अच्छाई की ओर जाना है, पाप को छोड़कर पुण्य के मार्ग पर हमको आगे बढ़ना है। हमारा कर्तव्य है कि हम सभी धर्मों का आदर करें, सभी धर्मों का सम्मान करें। हमने अपने पाठ की शुरुआत भी उसी से किया, ना तेरा धर्म बड़ा है ना मेरा धर्म छोटा है। तो ये चीज़ है। और हमारी जो भारतीय संस्कृति में तो विशेष रूप से कहा गया है कि किसी भी धर्म की निंदा मत करो, सभी धर्मों का सम्मान करो, सभी धर्मों का आदर करो। नेक्स्ट, चलिए ये हम जो पढ़ रहे थे, ये पहला स्टोरी है इस पार्ट का, पहला कहानी। मैंने शुरुआत में इस चीज़ का जिक्र किया है कि इस पार्ट में दो छोटे छोटे कहानियों का उल्लेख है। पहला कहानी जो अभी हमने समझा, महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच युद्ध हुआ है, युद्ध समाप्ति के पश्चात महाराणा की सेना जीत गई तो उसने मुगलों के परिवार वालों को बंदी बना लिया। तो इस चीज़ को सुनकर राणा प्रताप क्रोधित हुए, उसने स्वयं खाना खाना की बेगम के पास जाकर इस चीज़ के लिए, इस अपराध के लिए क्षमा मांगी। और जब अकबर को पता चला कि महाराणा प्रताप उसके परिवार वालों को, उसकी स्त्रियों को सम्मान वापस ला रहा है, तो उसके सामने उसका सर जो है झुक गया। तो ये हमारा पहला स्टोरी। चलिए इस पार्ट से संबंधित कुछ प्रश्न, इस स्टोरी से संबंधित कुछ प्रश्न आपके मोबाइल के स्क्रीन पर दिख रहा है। आप सभी जो है अपने मोबाइल को अनम्यूट कर दीजिए आंसर बताने के लिए। पहला प्रश्न ध्यान से देखिए, युद्ध किसके किसके बीच चल रहा था? ये पहला स्टोरी जो अभी हम पढ़े उसमें जो युद्ध था वो किनके किनके बीच हो रहा था? आप में से कोई आंसर बताना चाहते हो? चलिए आप सभी को जो आंसर बताना चाहते हो आप अपने मोबाइल को अनम्यूट करके आप आंसर बता सकते हो कि युद्ध जो है किसके किसके बीच चल रहा था? महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच। ये जो युद्ध है महाराणा प्रताप की सेना और मुगलों की सेना के बीच चल रहा था। आपका आंसर सही है, वेरी गुड। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए आप, कुंवर अमर सिंह ने किसको बंदी बना लिया? युद्ध में मुगलों, महाराणा प्रताप की सेना के जीत हुई तो उसने, जो सेनापति था कुंवर अमर सिंह जो था, उसने किसको बंदी बना लिया था बताइए? स्त्रियों और परिवार वालों को। किसके स्त्री और परिवार वालों को? साक्षी आंसर सही है बेटा। साक्षी वेरी गुड बेटा, आपका आंसर सही है। जितेश आपका भी आंसर सही है, कुंवर अमर सिंह ने मुगलों की स्त्रियों, परिवार वालों और बच्चों को बंदी बना लिया था, वेरी गुड। चलिए तीसरा और अंतिम प्रश्न, ये पहला कहानी, राणा प्रताप जो है क्यों नाराज हुए?
राणा प्रताप लड़ाई में जीतने का समाचार सुना तो नहीं साक्षी, यहाँ पर कुछ राणा आंसर कुछ और होगा बेटा। राणा प्रताप नाराज क्यों हुए? कोई और इस प्रश्न का आंसर देना चाहोगे? जितेश कुछ बोल रहे हो आप? चलिए, इसका सही आंसर है, राणा प्रताप को जब पता चला कि कुंवर अमर सिंह ने मुगलों के परिवार वालों को, स्त्रियों को, बच्चों को बंदी बना लिया है, तो इस समाचार को सुनकर वो नाराज हुए। सबसे पहले वो तो खुश हुए थे कि उसकी सेना जीत गई है, लेकिन जब उसको दूसरे क्षण ये पता चला कि उसके सैनिकों ने मुगलों के परिवार वालों को, स्त्रियों और बच्चों को बंदी बनाया है, तो इस चीज को सुनकर राणा प्रताप जो है वो नाराज हो गए। चलिए, तो ये पहला कहानी आप लोग को समझ में आ गया होगा। ऐसा ही एक दूसरा हाँ कहानी, सर। चलिए बेटा है ना, आप लोग अनम्यूट कर दीजिए अपने मोबाइल को, ठीक है। अब दूसरा कहानी हम देखते हैं इस पार्ट का, ठीक है। ये जो घटना है, गुरु गोविंद सिंह और उसकी सेना की घटना है। तो एक बार की बात है, एक बार गुरु गोविंद सिंह को सूचना मिली, ये संदेश मिला कि किसी शत्रु ने उनके राज्य में किसी भाग पर अचानक हमला कर दिया। गुरु गोविंद सिंह को ये सूचना मिली उनके गुप्तचरों से, उनके संदेश वाहकों से, जो उसको संदेश बताते हैं, तो अचानक हमला कर दिया है। तो उन्होंने अपने सैनिकों से उसका मुकाबला करने को कहा। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि शत्रु सेना का मुकाबला किया जाए, शत्रु सेना का सामना किया जाए। अब देखिए, गुरु गोविंद सिंह की आज्ञा को सुनकर, आदेश को सुनकर उसके सैनिक पहुंच गए अपने राज्य की रक्षा करने के लिए। अब दोनों पक्षों के बीच युद्ध हुआ और उसमें सिखों की जीत हुई। जो गुरु गोविंद सिंह की सेना थी वो यहाँ पर जीत गए, ठीक है। अब हुआ क्या, अगले दिन गुरु के कुछ शिष्यों ने, है ना, एक सिख सैनिक को उसके सामने प्रस्तुत किया। अब देखिए यहाँ पर आप, कि गुरु गोविंद सिंह ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि शत्रु सैनिकों का सामना किया जाए, शत्रु सैनिकों का मुकाबला किया जाए, और पूरे जोश के साथ, पूरे उमंग के साथ गुरु गोविंद सिंह की जो सेना थी उसने शत्रु की सेना का सामना किया, और सामना करने के बाद गुरु गोविंद सिंह की सेना युद्ध में जीत गई। अब अगले दिन क्या हुआ, गुरु गोविंद सिंह के सामने अब उसके एक सैनिक को प्रस्तुत किया गया और कहा, नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह के सामने उसके एक सैनिक को प्रस्तुत किया गया और कहा गया कि गुरुजी, यह युद्ध के मैदान में सिख भाइयों के साथ साथ दुश्मन के घायल सिपाहियों को भी पानी पिला रहा था। देखिए, एक सैनिक को पेश किया गया गुरु गोविंद सिंह के सामने और उनसे कहा गया कि ये हमारी सेना का जो सैनिक है, इसने क्या किया, युद्ध भूमि में, युद्ध के मैदान में हमारी सेना को तो पानी पिला ही रहा था, इसके साथ ही साथ वो दुश्मन के जो घायल सिपाही थे उसको भी पानी पिला रहा था। तो शिकायत किया गया कि लगता है गुरुजी, ये जो है कि दुश्मन की सेना से मिला हुआ है, इसे दंड मिलना चाहिए, इसने गलती की, इसने अपराध किया है, इसको सजा मिलनी चाहिए। ऐसे शिकायत किया गया। अब गुरु गोविंद सिंह ने इस चीज को सुना, इन बातों को सुना, उसने उस युवक से पूछा जिस युवक ने ये कार्य किया था, जिस युवक ने ये हरकत किया था। गुरु गोविंद सिंह ने पूछा, क्या यह सच है कि तुम युद्ध भूमि में शत्रु सेना के घायल सिपाहियों को पानी पिला रहे थे? ऐसा गुरु गोविंद सिंह ने अपने सैनिक से पूछा। तो सैनिक ने उत्तर दिया, उस सैनिक ने जवाब दिया, हाँ महाराज, यह बिल्कुल सच है, मैंने ऐसा ही किया है। जब मैं अपने सैनिकों को पानी पिला रहा था तो मैंने देखा दुश्मन के घायल सिपाही भी तड़प रहे थे, तो मैंने उसको भी अपने सैनिकों के साथ साथ पानी पिला दिया। नेक्स्ट, तो अब यहाँ पर ये बात आती है, पर गुरु गोविंद सिंह ने उसने उसको जवाब दिया कि पर क्या शत्रु के सैनिकों को पानी पिलाना उचित है? गुरु गोविंद सिंह ने उस युवक से पूछा कि तुम जो पानी पिलाने का जो पुण्य कार्य कर रहे थे वो तो सही है, वो तो अच्छा है। तो उस युवक ने जवाब दिया, श्रीमान,
आप ही ने एक बार बताया था कि सभी मनुष्यों में एक ही आत्मा है। इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने उन्हें पानी पिलाया। यदि मुझसे कोई अपराध हो गया है तो आप मुझे दंड दे सकते हैं, वह युवक बोला। अब देखिए यहां पर आप इस चीज को समझिए, पहली कहानी हमें धार्मिक सहिष्णुता सिखा रही थी और दूसरी कहानी हमें इंसानियत सिखा रही, हमें मानवता सिखा रही है। युद्ध भूमि में दो शत्रु सेना आपस में भिड़े, एक पक्ष की जीत हुई, दूसरा पक्ष हार गया। उसमें एक सैनिक क्या कर रहा है, अपने सैनिकों को जो घायल थे उनको पानी पिला रहा है, उनके साथ ही साथ दुश्मन के जो सेना है उसके जो सैनिक है जो घायल पड़े हुए थे उनको भी पानी पिला रहा था। गुरु गोविंद सिंह के सामने पेश किया, सवाल जवाब हुआ तो उसने कहा कि महाराज आपने ही तो हमें ये सिखाया था, आपने ही तो हमें बताया था कि सारे मनुष्यों में, इस संसार में जितने भी मनुष्य है उसमें एक ही आत्मा है और उस आत्मा का संबंध उस परमपिता परमात्मा से है। तो इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने उन्हें पानी पिलाया और बड़ी विनम्रता के साथ, बड़ी उदारता के साथ वो युवक बोल रहा है कि महाराज अगर मुझसे कुछ अपराध हो गया हो तो आप मुझे दंड दे सकते हैं। नहीं। अब गुरु गोविंद सिंह ने उस युवक के उत्तर को सुना, उस युवक की बातों को सुनकर बेहद खुश हुए। उन्होंने कहा मुझे खुशी है कि मेरे सारे शिष्यों में से धर्म का वास्तविक अर्थ केवल तुम ही ने समझा। देखिए धर्म का यही अर्थ होता है कि एक इंसान दूसरे इंसान के काम आए, जिसको हम कहते हैं मानव धर्म। सबसे बड़ा जो संसार में अगर धर्म है तो वो मानव धर्म है। तो अपने उस सैनिक के उत्तर को सुनकर गुरु गोविंद सिंह बहुत ही खुश हुए। उसने कहा कि मेरे सारे शिष्यों में से धर्म का वास्तविक अर्थ, सही अर्थ केवल तुम ही ने समझा। तुमने दुश्मन के घायल सैनिकों को पानी पिलाकर कोई अपराध नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया। तुमने गुरु नानक की जो वाणी थी उसको सही साबित किया और उसको सही तरीके से समझा और उस चीज को तुमने अपने आचरण में उतारा। देखिए हम ज्ञान की कितनी भी बड़ी बड़ी बातें सुन ले, सुनना मात्र काफी नहीं है। अगर कोई भी अच्छा चीज अगर हमको कहीं से भी पता चलता है, कहीं से भी हम उस चीज का श्रवण करते हैं, सुनते हैं, अगर जब तक हम उसको अपने आचरण में, जब तक हम उसके अपने अपने व्यवहार में नहीं लाते तब तक वो कोई काम करे। तो गुरु गोविंद सिंह की जो वाणी है उसको हरगोविंद जिसको जो है गुरु गोविंद सिंह की जो शिष्य है उसने सही तरीके से अपने आचरण में उतारा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर एक सैनिक जो था उसने फिर से शंका प्रकट किया। गुरु गोविंद सिंह के जो सैनिक थे उसने शंका प्रकट किया, उसने कहा कि महाराज यदि युद्ध में घायल पड़े शत्रु के सैनिक को पानी पिलाना धर्म का काम है तो फिर उसी सैनिक को युद्ध में मार गिराना तो अधर्म होना चाहिए। इस सवाल को आप सुनिए, इस सवाल को आप समझिए। एक सैनिक जो है शंका प्रकट कर रहा है कि महाराज एक तरफ आप कहते हो कि दुश्मन के घायल पड़े सैनिकों को पानी पिलाइए और दूसरी तरफ कहते हैं युद्ध भूमि में सामना करते हुए उस सैनिकों को मार गिराइए, तो ये दुविधा वाली चीज क्यों है, हम किस चीज का पालन करें। अब यहां पर आप गुरु गोविंद सिंह की उत्तर को सुनिए, शायद आपके अंदर का जो इंसानियत है और आपके अंदर का जो राष्ट्र प्रेम है वो जाग जाए। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं कि युद्ध में शत्रु सैनिक का सामना करना, जब हम युद्ध के मैदान पर है तो उस समय हमारा देश सर्वोपरि होता है, हमारा राष्ट्र सर्वोपरि होता है और देश से बड़ा, राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं होता। तो युद्ध में शत्रु सैनिक का सामना करना राष्ट्र धर्म है, जबकि घायल सैनिक को पानी पिलाना मानव धर्म है। देखिए दो चीज यहां पर सिखा गए। गुरु गोविंद सिंह अपने शिष्यों को बता रहे हैं कि अगर हम युद्ध के मैदान पर है, लड़ाई के मैदान पर है, अगर कोई दुश्मन हमारी देश की आन बान शान पर खतरा उत्पन्न कर रहा है तो हमको उसका सामना करना है, उसको मार गिराना है, उसको मार भगाना है। ये पहला पक्ष हो गया युद्ध के मैदान का। अब दूसरा हमारा जो धर्म है वो मानव धर्म है, किसी भी दीन दुखियों की जो आपत्ति मुसीबतों से घिरे हुए हैं उनकी मदद करना,
ये हमारा मानव धर्म है। यहाँ पर लिखा है, किसी घायल, असहाय या दुर्बल से केवल इसलिए घृणा करना कि वह दूसरे धर्म का अनुयायी है उचित नहीं है। हमारी जो लड़ाई है वो व्यक्तिगत नहीं होनी चाहिए। जब तक हमारा जो युद्ध के मैदान में लड़ाई चल रहा था, तब तक हमारी शत्रुता उनसे थी। युद्ध समाप्त, शत्रुता समाप्त। ये गुरु गोविंद सिंह का संदेश था हम सब लोगों के। उनका यही कहना था कि सबसे बड़ा जो धर्म है वह मानव धर्म है। एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की विपदाओं में, आपदाओं में एक दूसरे के काम आना, यही तो सच्ची इंसानियत है, यही तो सच्ची मानवता है जिसका हमें पालन करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ये दोनों कहानी जो अभी हमने पढ़ा, जो अभी हमने समझा, पहला कहानी महाराणा प्रताप और मुगलों के सेना के बीच का था, दूसरा गुरु गोविंद सिंह की सेना का था। तो हमारा देश भारत ऐसा देश है जहां अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। शुरुआत में ही मैंने आपको बहुत सारे धर्मों का नाम बताया। भारत के संविधान के अनुसार सभी को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, हम धार्मिक रूप से स्वतंत्र है। और भारत की सबसे बड़ी विशेषता है कि भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, वो धर्म के मामला पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर सकता। सभी धर्मों का आदर करना, सभी धर्मों का सम्मान करना, ये हमारी प्रमुखता है, ये हमारी भारत की विशेषता है। इसलिए देश की एकता और अखंडता के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि प्रत्येक भारतीय अपने अपने धर्म का पालन करता हुआ। देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हम सबको अपने अपने धर्म का पालन करना है, हम सबको अपने अपने धर्म का सम्मान करना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे धर्म का अपमान करें, इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे धर्म को नीचा दिखाएं, ऐसा हरगिज नहीं। जितनी जितना सम्मान हम अपने धर्म को देते हैं, जितना आदर हम अपने धर्म का करते हैं, उतना ही आदर हमको दूसरे धर्म का भी करना है। किसी अन्य धर्म के प्रति घृणा या द्वेष का भाव न रखे। ईश्वर, अल्लाह आदि उसी ईश्वर के अनेक नाम हैं। हम अलग अलग रूपों में उसको पूजते हैं, हम अलग अलग रूपों में उसे मानते हैं। कोई अल्लाह कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई गॉड कहता है, ये मानने का तरीका है, लेकिन ईश्वर तो एक ही है। तो इसी चीज को गांधी जी अपने भजन में गाया करते थे। गांधी जी क्या गाया करते थे, हमेशा गुनगुनाया करते थे। वो कहते थे, क्या कहते थे, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवा। तो इस चीज का जिक्र गांधी जी, इस चीज को गांधी जी हमेशा गुनगुनाया करते थे, हमेशा गाया करते थे कि ईश्वर अल्लाह तो तेरे ही नाम है, तो हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे वाहे गुरु, हे सदगुरु, आप हमें क्या कीजिए, सम्मति दीजिए, एक ऐसा मार्ग दीजिए जिस मार्ग पर चलकर हम इंसानियत की रक्षा कर सके। तो ये दोनों स्टोरी। नेक्स्ट, तो बच्चों यहाँ पर इस चीज़ को हमको भलीभांति और अच्छे से समझना है कि इस सांप्रदायिक भेद के कारण हमारा जो भारत है, जब तक हम संप्रदाय के नाम पर, धर्म के नाम पर आपस में वैर भाव नहीं छोड़ेंगे, नफरत नहीं छोड़ेंगे, तब तक हमारा जो भारत जो है ना, विश्व गुरु बनने के मार्ग में अड़चने आता रहेगा। तो हमको सबसे पहला जो चीज़ है उसको क्या करना है, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर भेदभाव को छोड़ना है, तभी हमारा भारत फिर से विश्व गुरु बन सकता है। मैथिली शरण गुप्त की यहाँ पर कुछ लाइनें हैं, है संप्रदायिक भेद से कब एक मिट सकता अहो, बनती नहीं क्या एक माला, विविध सुमनों की कहो। तो हमको अपने अंदर के, हमको अपने अंदर की जो सांप्रदायिक जो भावना है उसको मिटाना होगा। और जब जिस दिन हमने सांप्रदायिक भावना को मिटा दिया, तो आप समझिए कि हमारी भारत की एकता और अखंडता जो है फिर से सुनिश्चित हो, फिर से हमारा जो भारत है गौरवान्वित हो जाएगा। चलिए, हमारा ये पाठ जो है खत्म होने वाला है, तो कुछ अभ्यास प्रश्न है। नेक्स्ट,
आपके इस पाठ्य पुस्तक से संबंधित अभी हमने जो छोटे छोटे जो कहानियां जो पढ़े हैं उससे संबंधित यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए, तो आप सब फिर से अपने मोबाइल को अनम्यूट कर दीजिए उत्तर बताने के लिए। तो पहला प्रश्न, सर्वधर्म संभाव से आप क्या समझते हैं? कोई आंसर बताना चाहते हो? चैट बॉक्स पर भी आप सर, अपना आंसर लिख सकते हो। बताओ बेटा, क्या? सर्वधर्म हाँ, संभाव सभी धर्म समान है, संसार में कोई धर्म ऐसा नहीं है। साक्षी का आंसर आ रहा है। वेरी गुड साक्षी। सर्वधर्म समभाव का मतलब है कि संसार में जितने भी धर्म हैं वो समान है, वो बराबर है। इस संसार में कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो छोटा हो। सभी धर्म का समान महत्व है और सभी धर्म आपस में बराबर है। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, अकबर महाराणा प्रताप के सामने क्यों झुक गया? एक मौका आया जिस मौके पर अकबर को झुकना पड़ा महाराणा प्रताप के सामने, तो आंसर क्या होगा? क्यों झुका वो? सोचिए क्या आंसर आ सकता है इसका। बताइए। चलिए इसका आंसर मैं ही बता देता हूं। अकबर को जब ये पता चला कि उसके परिवार वालों को, उसकी स्त्रियों को सकुशल सम्मान पूर्वक वापस जो है भेजा जा रहा है, तो इस चीज को सुनकर अकबर जो है महाराणा प्रताप की जो उदारता है उसके सामने झुक गए। महाराणा प्रताप उदार थे, उनका शुरू से ही ये कहना था, उनका शुरू से ही ये मानना था कि हमारी शत्रुता सिर्फ मुगल साम्राज्य से है, उसकी सैनिकों से है, उसके परिवार वालों से नहीं। तो है ना, उसने जब सम्मान है ना अकबर की सैनिकों के उसके परिवार वालों को जब भेजा तो उसकी उदारता के सामने झुक गए। चलिए तीसरा प्रश्न, अभी जो कहानी हम पढ़ रहे थे उससे संबंधित, शिष्यों ने गुरु गोविंद सिंह से क्या शिकायत की? कुछ शिकायत किया युद्ध समाप्ति के सर, बाद? क्या शिकायत किया? नदियों और बच्चों के हाँ प्रति प्राप्त की यह धारण थी कि हमारी शुद्ध चलिए बेटा, शिष्यों ने, हाँ चलिए, व्यक्ति विशेष नहीं था। चलिए ठीक है, वेरी गुड। आप लोगों ने कोशिश किया आंसर बताने का, प्रयास आपका बहुत सही था। इसका सही आंसर है, शिष्यों ने गुरु गोविंद सिंह से क्या शिकायत किया? तो शिष्यों ने गुरु गोविंद सिंह से शिकायत किया कि महाराज ये शत्रु सैनिकों के साथ मिला हुआ है, ये घायल पड़े सैनिकों में हमारे सैनिकों के साथ साथ दुश्मन के सैनिकों को भी पानी पिला रहा था, यही शिकायत किया था। एक लाइन का उत्तर है कि महाराज इसने घायल पड़े सैनिकों में हमारे सैनिकों के साथ साथ दुश्मन के सैनिकों को भी पानी पिलाया, तो ये शिकायत गुरु गोविंद सिंह के सामने शिष्यों ने किया। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चलिए, देश की एकता और अखंडता के लिए हमें क्या करना चाहिए? महाराज क्या? भारत स्वतंत्रता प्राप्त है, इसलिए देश की एकता और अखंडता के लिए अत्यंत आवश्यक है। हाँ चलिए, वेरी गुड। देश की एकता और अखंडता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है हमें धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, जाति के नाम पर आपस में जो वैर भाव है, आपस में जो भेदभाव है उनको समाप्त करना होगा। और जिस दिन हमने ये समाप्त कर दिया, हमारा भारत एक अखंड भारत के रूप में जो सदियों से था वो पुनः स्थापित हो जाएगा। अभी भी हमारा भारत अखंड भारत है, बस जरूरत है तो हमको धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, जाति के नाम पर जो भेदभाव होते हैं उनको समाप्त करने की।
ठीक है, ये चारों प्रश्न का उत्तर आप लोग को समझ में आ गया। इसके अलावा आपके पाठ्य पुस्तक में और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का उत्तर आपको पुस्तक को अच्छे से पढ़कर आपको उसको समझकर लिखना है। चलिए बेटा, व्याकरण खंड से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। यहां पर आपको विलोम शब्द बताना है। यस, यहां पर हर लिख गया है लेकिन वो हार है, तो हार का विलोम शब्द होता है जीत। ठीक है, हार का विलोम होता है जीत। इसी प्रकार से नीचे जो शब्द दिए हैं उनका आपको विलोम बताना है, उनका आपको विरुद्धार्थ ही बताना है, उल्टा बताना है। चलिए, तो सत्य का क्या होगा? असत्य। वेरी गुड साक्षी जितेश, है ना, आप लोग का आंसर सही आ रहा है। सत्य का विलोम होगा असत्य। अच्छाई का? बुराई। वेरी गुड, बुराई। हाँ, अच्छाई का उल्टा होगा बुराई। पुण्य का? पाप। धर्म। पुण्य का पाप। ठीक है, पाप। हाँ, चौथा और अंतिम आदर का? अनादर। अनादर, ठीक, वेरी गुड। तो आप लोगों ने चारों प्रश्न का उत्तर सही बताया। चलिए, अंतिम पड़ाव में है हम अपने क्लास के। यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क है, कुछ गृह कार्य जिसको आपको घर में करना है। तो पेन और कॉपी निकालिए, इस प्रश्नों को आप नोट कीजिए, या आप अपने मोबाइल पर इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इस प्रश्नों को आप रख सकते हैं। ठीक है, या तो पेन और कॉपी में भी इस क्वेश्चन को आप, इस प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए। इसका उत्तर आपको लिखना है, लिखकर अपने घर में अपने बड़ों को, अपने भाई या बहन, है ना, अपने मम्मी पापा को दिखाना है। ठीक, तो पहला प्रश्न देखिए, यदि आपको, आपके लिए है ये और आपको ही कहा जा रहा है, यदि आपको कोई घायल व्यक्ति मिले तो आप क्या करेंगे? अपने विचार सोच के लिखिए। आप रास्ते में जा रहे हो, या आप अपने स्कूल में हो, या आप अपने मोहल्ले में हो, या कहीं पर भी अगर कोई घायल व्यक्ति मिलता है तो आप क्या करेंगे, इस चीज को आपको सोच कर लिखना है कि आप क्या क्या कर सकते हो वहां पर तुरंत। ठीक है, ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिए, इसको भी आप नोट कर लीजिए। गुरु गोविंद सिंह के शिष्य की जगह अगर आप होते, चलिए गुरु गोविंद सिंह के शिष्य ने जो कार्य किया, ठीक है, उसने किया, अगर मान लीजिए गुरु गोविंद सिंह की सेवा में अगर आप सम्मिलित रहते और उसकी जगह अगर आप होते तो आप क्या करते? ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया ये प्रश्न। ये दोनों प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, इसको आपको घर में करना है, और साथ ही साथ आप लोग को अपनी जो पढ़ाई है घर में जारी रखना है, अच्छे से आप लोग को घर में पढ़ाई करना है। किसी भी प्रकार का कोई शंका रहता है, कोई दुविधा रहता है, तो आप उसको बेझिझक पूछिए, और उस चीज़ को आप चाहो तो मेरा जो नंबर है उस नंबर पर आप प्रश्न को आप सेंड भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखिए बेटा, ये हमारा ये पार्ट जो है अभी समाप्त होने वाला है। तो ये पार्ट मूलतः हमें जो बड़ी बड़ी जगह इस चीज को अगर हम फोकस करें, अगर हम ध्यान दें, तो दो चीज़ सिखा गया। पहला चीज़ है धार्मिक सहिष्णुता, हमें धर्म के प्रति उदार होना है, हमें धर्म के प्रति सहिष्णु होना है, हमें धर्म के नाम पर भेदभाव को छोड़ना है, हमें धर्म के नाम पर आपस में जो लड़ाइयाँ हैं उनको दूर करना है। ये पहला चीज़, ये पहले स्टोरी से महाराणा प्रताप और मुगलों की सेना के बीच का युद्ध हुआ, उससे हमको ये समझ में आता है कि हमको धार्मिक रूप से सहिष्णु होना है। दूसरा स्टोरी, दूसरा कहानी से हमको ये पता चलता है कि संसार में जो सबसे बड़ा जो धर्म है वो मानव धर्म है, वो हमारे अंदर की इंसानियत है। ठीक है ना, एक कहावत है कि इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लग्न हर मुश्किल को आसान बना देती है, कौन जाता मंदिरों में पूजा करने, ये आस्था ही है जो पत्थरों को भगवान बना देती है। तो ये आस्था है, हमारे अंदर की इंसानियत है, उस इंसानियत को आप हमेशा जिंदा रखिए, और यही हमें एक सच्चा इंसान बनाएगा, यही हमें एक अच्छा इंसान बनाएगा। चलिए, तो आप लोगों के लिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, आप घर में स्वस्थ रहिए, अच्छा रहिए, और निरंतर परिश्रम करते रहिए, मेहनत करते रहिए। तो इसी के साथ आज का हमारा ये जो ऑनलाइन क्लास है, यहीं पर समाप्त।
भी ना।